जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेहत है तो सब कुछ है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुकिन कुरेशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज टाउन की टीम पहुंची है शार्प विजन हॉस्पिटल पर और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार बादल जी। लोगों को आंखों के रोगों से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात की, आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अक्सर आंखों के जो रोग हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को आंखों के रोगों से बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कैसे उनकी आंखें स्वस्थ रहें? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे रोगों का दायरा भी बढ़ रहा है, तो इसमें आंखों के रोग भी काफी मात्रा में पहले से अब मैं देखने में आया है कि बढ़ने लगे हैं। इसका जो प्रमुख कारण है, पहले जो प्रमुख कारण हुआ करता था वो था न्यूट्रिशन की कमी, यानी खान पान में समस्या। लेकिन आजकल वो समस्या नहीं है, आजकल खान पान सरकार की तरफ से भी लोगों को मिलता है, और क्योंकि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेटर हुआ है पहले से, तो खान पान की समस्या तो नहीं बची है। लेकिन आजकल दूसरे फैक्टर आ गए हैं, जैसे सबसे बड़ा फैक्टर आजकल के समय मोबाइल सभी यूज करते हैं, छोटे बच्चों से लेके पढ़ने वाले बच्चे, फिर उनसे बड़े, फिर बूढ़े भी, सभी मोबाइल आजकल खूब यूज करते हैं। तो मोबाइल जो है, एक अनकंट्रोल्ड मोबाइल का यूज जो है वो रोगों को बढ़ा रहा है। दूसरा, बच्चों पे पढ़ाई का बोझ जो है वो भी एक फैक्टर है। बहुत लंबे समय तक छोटे बच्चों को भी पढ़ना पड़ता है, तो दूसरा फैक्टर वो भी है। उनकी मानसिक वृद्धि भी कम होती है इसमें, और थोड़ा आंखों में भी। तीसरा एक बड़ा कारण जो है वो है प्रदूषण, पोल्यूशन। तो जैसे जैसे वाहन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे पोल्यूशन का स्तर भी बढ़ा है, और पोल्यूशन ने भी जो है शरीर में भी बहुत सारे रोग पैदा किए हैं और आंखों में भी बहुत सारे रोग पैदा किए हैं। चौथा जो कारण है वो है मौसम में परिवर्तन। हमारा देश ट्रॉपिकल देश कहलाता है। ट्रॉपिकल देश में अपने कुछ रोग होते हैं, जैसे इन्फेक्शन बहुत हमारे यहाँ आप देखते हैं कि साल दो साल तीन साल में जो है आंखों में इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। एलर्जी बहुत रहती है बच्चों में, छोटे बच्चों में मौसम बदलने से एलर्जी हो जाती है गर्मी के कारण, कुछ में सर्दी के कारण होते हैं। फिर एक और कारण है वो है मोतियाबिंद में बढ़ोतरी। तो आजकल ये भी देखा गया है कि हम लोग देख रहे हैं कि जो यंग एज के लोग हैं उनमें भी मोतियाबिंद बनता जा रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो एडल्ट्रेशन है, जो मिलावट है खान पान में, वो एक बड़ा कारण है। मिलावट की वजह से भी कई सारे रोग हो रहे हैं, और अननेसेसरी लोग आजकल इंटरनेट का यूज करके दवाइयां यूज करते हैं, उन दवाइयों के कारण भी कुछ रोग आंखों में बन जाते हैं। तो इस तरह से ये कई सारे फैक्टर हैं जो मिलकर एक बड़ा रोगों को जन्म देते हैं आंखों में। अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें, शार्प विजन हॉस्पिटल पर आज जीपीएन 7 की टीम आई है, यहाँ पर लोगों को और मरीजों को किस किस तरह की सुविधाएं आप प्रोवाइड करा रहे हैं, किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ मुहैया हो रही है? हम लोगों को अमरोहा में 10 साल हो गए हैं सेवाएं देते हुए, और दिन प्रतिदिन हम प्रयास ये करते हैं कि सेवाओं को और उनका दायरा बढ़ाया जाए। तो हमारे यहाँ मोतियाबिंद के समस्त ऑपरेशन, समस्त लेंस डाले जाते हैं। इसके अलावा काले मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग, काले मोतियाबिंद का उपचार, इसके अलावा पर्दे की बीमारियों का, जैसे आजकल शुगर, बीपी, इस तरह के रोग भी काफी बढ़े हुए हैं, तो इसकी वजह से जो रेटिना में समस्याएं आती हैं पर्दे में, उससे संबंधित विकारों का उपचार, इलाज, इन्वेस्टिगेशंस सारे होते हैं। तीसरा, जो मैंने बताया कि चश्मे का नंबर आजकल बहुत बच्चों को आने लगा है मोबाइल की वजह से, तो उस पर भी हमने काफी ध्यान दिया है, और हमारे यहाँ हर तरह के चश्मे जो है वो हम लोग तैयार करके समाज को देते हैं। बाकी जो भी सुविधाएं पास पड़ोस में हो सकती हैं, चाहे वो कॉर्निया से संबंधित हो, ग्लोकोमा हो, कैटरेक्ट हो, रेटिना हो, सारे ही उपचार लगभग हम लोग कर रहे हैं समाज के लिए। अक्सर लोग गाड़ी पर जाते हैं, टू व्हीलर पर निकलते हैं, ऐसे में आंख बहुत अनमोल बताई जाती है, ऐसे में उनको बचाव के लिए क्या करना चाहिए ताकि आंखें उनकी सुरक्षित रहें? टू व्हीलर पर सबसे पहले तो नियम भी है सरकार का कि हेलमेट के बिना नहीं चलना चाहिए, हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए। और अगर छोटी दूरी के लिए भी आप जा रहे हैं तो उसमें भी कम से कम आप एक काला चश्मा अपनी आंखों पर जरूर लगाइए। तो उससे क्या होगा कि मच्छर, धूल और पोल्यूशन से आप बचे रहेंगे।
इससे होता क्या है कि किसी की आंख में कूड़ा गिर गया और वो फिर मेडिकल पे जाके दवाई ले लेता है और उसके बाद उसकी आंख में घाव बन जाता है और वो ठीक डॉक्टर तक जब तक वो पहुंचता है तब तक उसकी आंख जो है काफी डैमेज हो चुकी होती है। तो इसका यही ध्यान रखना है कि प्रोटेक्टिव वियर्स पहने, चश्मा पहने और हेलमेट पहने टू व्हीलर्स पर जा रहे हैं आप, और अगर आपकी आंख में कुछ डल जाता है, गिर जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करें कि आप अच्छे डॉक्टर को ही, प्राथमिक उपचार के लिए भी अच्छे डॉक्टर के पास ही जाएं, आप अपने मन से दवाई लेके मेडिकल से ना डालें, तो वो ज्यादा अच्छा है। आपके कैबिन में जब हमारी टीम आई तो देखा कि आप एक मरीज को ऑफर कर रहे थे कि आपका ऑपरेशन हुआ है और आपको ये पौधा लगाना है, इसके पीछे क्या प्रथा है, इसका क्या उद्देश्य है? मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और लंबे समय से वृक्षारोपण करता रहता हूँ। अब एक काफी समय से मैं सोच रहा था कि अब क्योंकि डॉक्टर होने के नाते मुझे बड़ा कम समय मिलता है समाज में जाने का, बाहर जाने का, तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि किस तरह से पेड़ लगाए जाएं। तो फिर मेरे मन में आया कि जिस व्यक्ति का भी हम ऑपरेशन करेंगे उसको दो पौधे देंगे, तो जिसका भी हम ऑपरेशन करते हैं उसको दो पौधे देते हैं। वो पौधे जो है फल वाले भी हो सकते हैं, छाया वाले भी हो सकते हैं, सुंदरता वाले भी हो सकते हैं, इवन तुलसी के पौधे भी हम देते हैं जो लोग डिमांड करते हैं इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, नगरीकरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है, तो पेड़ कटते चले जा रहे हैं, जंगल कम होते चले जा रहे हैं, और उन्हें बढ़ाने का बड़ा सशक्त तरीका कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे छोटे छोटे प्रयास उसको पर्यावरण की दिशा में उसको बढ़ोतरी कर सकते हैं, ग्रीनरी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमने जो है ये एक प्रयास शुरू किया है। लोग पेड़ लेके जाते हैं, लगाते हैं, उनसे हम पूछते भी हैं कि आपने लगाया, पाल रहे हैं, तो बताते हैं साल दो साल बाद भी कि हमने पाल लिया है और बड़ा हो गया है। तो एक अटैचमेंट भी हो जाता है कि एक तो उनको लगता है कि भाई डॉक्टर साहब ने हमें पौधा दिया है, थोड़ा ध्यान इसलिए भी रखते हैं, थोड़ा एक अटैचमेंट उनसे हो जाता है कि मेरे ऑपरेशन के समय मुझे पौधे मिले थे तो ये जीवित रहने चाहिए और मेरे बाद भी ये रहेंगे, तो लोगों को कम से कम याद रहेगा कि हमारे दादा ने, दादी ने ये पेड़ पौधे लगाए थे। तो इससे कई फायदे हो रहे हैं और सबसे मुख्य फायदा तो ये है कि पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उससे बचाव करने के लिए हम लोग पौधे लगा रहे हैं। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं JPN7 को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे पास आए और हॉस्पिटल के सुविधाओं के फैलाव के बारे में पूछा और समाज के लिए जानकारी के लिए उन्होंने कहा। और मैं चाहता हूँ कि JPN7 जिस तन्मयता के साथ सेवा कर रहा है उसी हिसाब से करता रहे और अच्छी चीजें जो हैं समाज में स्लोली फैलती हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए जिससे कि समाज का भला होता रहे। बाकी डॉक्टरों से भी मिलिए और उनसे भी पूछिए, वो भी समाज की सेवा कर रहे हैं, तो बस आपको शुभकामनाएं। ये थे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार बादल, जो कि दावा कर रहे हैं कि मोबाइल के कारण ही आंखों के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकिन कुरैशी, JPN7।